दूर से देखा उन्होंने, दूर से देखा उन्होंने, भगवान न होने के कारण क्या दशा है उस वृंदावन की। हरियाली जो हर की आली बनी हुई खड़ी है, भगवान की ब्रह वेदना में पस पक्षी सभी रो रहे हैं। वो तो जिन देखा बाजी पा, भगवान न होने के कारण जब पस पक्षियों की ये दशा हो रही है तो उस वृंदावन के लोगों की क्या दशा हुई होगी। थोड़ा शांति बनाए रखे माता, क्या दशा होगी उस वृंदावन की भगवान न होने के कारण। भाई ये बिल्कुल सत्य है भागवत श्रोताओ, जहां भगवान के चरित्रों का वर्णन होता है, जहां पर भगवान की कथाएं सुनाई जाती है, जब व्यास मंच को हटा दिया जाता है तो चार दस दिन अच्छा नहीं लगता है इस जगह पर। और जहां पर साक्षात भगवान रहे हो और वहां से जब चले गए हो तो वहां की दशा क्या होगी, क्या होगी। भगवत श्रोताओं, धीरे 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 उद्धोधी वृंदावन में पहुंच जाते हैं। मां यशोदा ने दूर से देखा, वही मोर का मुकुट है, वही पीतांबर है, वही घोड़े हैं। तो वो मां अपने बच्चे से दौड़ी मिलने के लिए भागवत श्रोता हुआ। दौड़ी तो थी लेकिन जिस खजाने के लिए मां वो दौड़ी थी वो खजाना खाली नजर आया। वहां कन्हैया नहीं, कोई और नजर आया। मां रोने लगी, उधो समझा रहे हैं मारो नहीं। तो मां यशोदा समझाती ही बोली उधो, के बोल समरिया का पैदा करने के बाद मुरली मनोहर वर्ष व्यतीत कर दिए हो, तो घूम करके वृंदावन की तरफ नहीं देखा है।
कभी अपने दिल में ये विचार नहीं किया था उधर श्याम हमारा लड़का नहीं है, देवकी का बालक है। मैं तो हमेश कन्हैया को अपना पुत्र मानती थी लाला। यशोदा रोने लगी, भागवत श्रोताओं, हर हर गंगा मैया के किनारे ऊंचे से आसन पर व्यास पुत्र सुखदेव जी समझा रहे हैं। सुनिए महाराज परीक्षक, हर व्यक्ति की सात